मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में शराब के नाम पर महिला पर पुलिसिया जुर्म के खिलाफ आज एसएसपी से मुलाकात किया। बता दें कि सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा कुर्की जब्ती करने के दौरान पुलिस टीम पर अचानक से किसी कारण पर विरोध हो गया, जिसके बाद पुलिस ने किस तरह से बर्बरता पूर्वक एक महिला की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें प्राइवेट पार्ट से लेकर के अन्य कई सारे अंगों पर पिटाई की गई पुलिस के द्वारा। इसको लेकर के लगातार मुकेश सहनी उनसे पहले अस्पताल में मिले और कई रोज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मुकेश सहनी का कहना है कि उल्टे अन्य लोगों पर ही कार्रवाई की गई, जबकि पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस तरह के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और पूरा साक्ष्य है, पूरा वीडियो जो है, इसको लेकर के आज मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार से मुलाकात किया और उन्होंने कहा कि जो वीडियो है, जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को देखिए और आखिर कौन दोषी है, उन तमाम पदाधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। तो इसी मामले में एसएसपी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो वीडियो फुटेज है उसको देखा जाएगा और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह कार्रवाई किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुआ था और अभी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, जबकि वो लोग परिवार बम्बई से थे, उनको कोई लेना देना नहीं था शराब से। उसके बाद जो भी पुलिस बुरी तरीके से बेरहमी तरीके से उसको मारपीट किया गया था और उस समय बात हुआ कि उस पर जाँच होगा और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा और 15 दिन बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और जनता में समाज में आक्रोश था, तो मेरे पर भी बहुत बड़ा प्रेशर था, तो इसके लेके मैं पर्सनली मिलकर एसएसपी साहब से मिलकर कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जो उचित कार्रवाई होना चाहिए वो हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास वीडियो कैमरा भी ग्राफिक हुआ था ड्रोन के द्वारा, तो जनता के तरफ से गलती है कि पुलिस प्रशासन के तरफ से गलती है, उनके पास सब सबूत है, उसको देखे और अधिकारी को बुला के आपस में बात करें कि किस तरीके से किसने घटना किया। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने सारे चीज़ रखा, सारे फोटो रखा, सबूत दिया कि किस तरीके से सारे चीज़ें हुआ, तो आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जो उचित होगा वो परिवार को न्याय देंगे, किसी का अरेस्टिंग नहीं होगा फिलहाल तो। और अब बाकी केस तो बनता ही नहीं था, उल्टा पुलिस पदाधिकारी पर केस बनता है कि किसी के घर पर घुस के ज़बरदस्ती मारपीट करना, ये करना, तो लेकिन ऊँचे अधिकारी से बात हुआ, सब जाँच होगा, अब मुझे लगता है कि न्याय होगा, नहीं होगा तो फिर आगे जो प्रक्रिया है उस पर किया जाएगा। एक बात और बताइए, तो आपने देखा किस तरह से पुलिस बर्बरता का शिकार हुई महिला को लेकर के आज मुकेश सहनी एसएसपी कार्यालय में जाकर एसएसपी से मुलाकात किया, जहां उनके पार्टी के समर्थक नेताओं भी मौजूद थे और साथ ही उनके परिजन भी मौजूद थे, जिस महिला के साथ पिटाई हुई है, यानी कि महिला पर पुलिस जिस तरह से पिटाई की है पूरी तरह से। क्या कुछ करें मुकेश सहनी, आपने तमाम बातें सुना, आखिर किस तरह से एसएसपी से मुलाकात किया और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि शराब से महिला का कोई लेना देना नहीं गया था, लेकिन फिर भी उनका पिटाई पुलिस के द्वारा किया गया है, ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे। तो न्यूज़ 4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मैं अरविंद अकेला, कैमरामैन रोशन के साथ, न्यूज़ 4 नेशन मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।
कलाश्रम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुर कलाश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुर कलाश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शो आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी करना है। हमारा पता है नुपुर कलाश्रम, पराव पोखर, लेन नंबर 2, आम गोला, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616।